हेलो एवरीवन, वी आर हियर फॉर प्रेपरेशन ऑफ मास्टर कैडर केमिस्ट्री। टुडे आवर टॉपिक इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेजा टॉपिक है जिन्हों आप मास्टर कैडर के पेपर ले इग्नोर नहीं कर सकते। ये एटलीस्ट चार या पांच क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर च। सो इनू आप डिटेल च पढ़ना है। अच्छ आप इंट्रोडक्शन करा थोड़ी जी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। लैट स्टार्ट। तो वीडियो शुरू करन तो पहला चैनल नू लाइक शेयर ते सब्सक्राइब जरूर कर दियो। इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस, कोई भी जदों आपां स्पैक्ट्रोस्कोपी की गल करते हैं तो आपां इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस बारे जरूर पढ़ते हैं। तो इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस एक्चुअल है कि स्पैक्ट्रोस्कोपी चैप्टर पढ़न तो पहला इहदी क्लैरिटी करनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज लाइट। लाइट की है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इट बिहेव एज अ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। ये पार्टिकल नेचर की तरह भी बिहेव कर दिया ते वेव नेचर की तरह भी बिहेव कर दिया। पार्टिकल नेचर की तरह जे ये बिहेव करे तो उस थ्योरी जिहड़ी थ्योरी आप स्टडी करते हैं उन्होंने कहिंदे आ कॉर्पस्कुलर थ्योरी। एंड अगर वो वेव नेचर की तरह बिहेव करती है तो उन्हों आप कहने वेव थ्यूरी। कॉर्पस्कुलर थ्यूरी है जी, ये फोटोकैमिकल इफेक्ट नू एक्सप्लेन किया जा सकता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस नू आपां एक्सप्लेन करते हैं। जिहड़ी पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर फोटोकैमिकल इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एट एक्सट्रा इन्हां नू एक्सप्लेन करता हैगा। तो वेव नेचर है जिहड़ी वेव थ्यूरी एक्सप्लेन करती है डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस वगैरह, ठीक है। नैक्सट है इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव थ्यूरी। कि इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव थ्यूरी की है? ये थ्यूरी आपां नूं दित्ती सीगी जेम्स क्लैक मैक्सवेल ने। यह थ्यूरी प्रोवाइड की सीगी। इस थ्यूरी के कुछ तीन क पॉइंट्स है जिहड़े जेम्स क्लैक ने दिते सीगे। फस्ट पॉइंट है एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स सच एज हीटेड रॉड टंगस्टन फिलामेंट ऑफ एन इलैक्ट्रिक बल्ब कॉन्टीन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ वेव और रेडिएशंस एंड एनर्जी दस एमिटेड इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। मीनस के कोई भी एनर्जी है जिहड़ी किसी भी सोर्स तो एमिट हो रही है, वो सोर्स कोई हीटेड रॉड हो सकती है, कोई टंगस्टन फिलामेंट हो सकता है इलैक्ट्रिक बल्ब का, तो उतो जिहड़ी एनर्जी आ कॉन्टीन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एमिट होंदी रहिंदी है तो उन्हों आपां कहने आ रेडिएशंस। उन्हों नूं आपां नाम दिंदे आ रेडिएशंस। किसी भी सोर्स तो अगर एनर्जी एमिट हो रही है वेव्स की फॉर्म के उन्हों आपां रेडिएशंस कहने आ। तो एनर्जी दस एमिटड इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। तो इस एनर्जी नूं रेडिएंट एनर्जी का नाम दिता जाता है। हीट लाइट गैमा रेज एक्स रेज ये सारिया इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव थ्योरी दियाँ एग्जाम्पल्स है। इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स दियाँ एग्जाम्पल है, रेडिएंट एनर्जी दियाँ एग्जाम्पल्स है, ठीक। नैक्सट इज रेडिएशन एसोसिएटड विद बोथ इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड इज कॉल्ड इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन। वो रेडिएशन जिहड़ियाँ इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल भी एसोसीएटड ने एंड मैगनैटिक फील्ड के नाल भी एसोसीएटड ने, उन्होंने आप कह दें इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस। ऑल रेडिएशनस आर ऑफ वेव करैक्टर एंड ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। सारिया जड़िया रेडिएशनस है वो वेव करैक्टर दियाँ होंदिया ते विद द स्पीड ऑफ लाइट वो ट्रैवल कर दियाँ। नैक्सट इज सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जड़िया याद रखनिया बिफोर वी स्टार्ट द स्पैक्ट्रोस्कोपी चैप्टर। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, फर्स्ट टर्म इज वेव लेंथ। वट इज़ वेव लेंथ? वेव लेंथ की है? वेव लेंथ है डिस्टेंस बिटवीन टू कंजैक्टिव क्रस्ट और ट्रफ्स। तो सारू पता ही होना, आप हूँ इन्नी स्टडी कर ली है साइंस की, वेव लेंथ बारे तो आप सारे जानते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजैक्टिव क्रस्ट और ट्रफ्स होंगी है वेव लेंथ। तो इनू डिनोट किया जाता है लैमडा दे नाल, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय लैमडा। इहदे यूनिट्स है गया ऑंगस्ट्रॉम, ऑंगस्ट्रॉम नैनोमीटर वगैरह वगैरह। नैक्सट है
फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन वन सैकेंड. वन सैकेंड दे विच नंबर ऑफ वेव्स एक गिवन पॉइंट दे विचों जिन्निया नंबर ऑफ वेव्स निकलन गया उन्हों आपा कह दें फ्रीक्वेंसी, एंड इनू डिनोट कर दिया म्यू दे नाल, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय न्यू. नैक्सट टर्म है विलोसिटी. विलोसिटी की है द लीनियर डिस्टेंस विच अ वेव ट्रैवल इन वन सैकेंड इज कॉल्ड विलोसिटी. वेव किसी भी लीनियर डिस्टेंस नू वन सैकेंड दे विच अगर वो ट्रैवल कर दिया तो उन्हों आपा कह दें कि वह वेव की विलोसिटी है. डन. नैक्सट टर्म है वेव नंबर. वेव नंबर की है द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन वन सेंटीमीटर लेंथ. वन सेंटीमीटर के जिन्निया नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट होनगियां आप वेव लेंथ कहेंगे. सिंपली इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ. जिहड़ा वेव नंबर है उन्होंने डिनोट किया जाता है न्यू बार दे नाल, एंड इट इज़ सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ. वन बाय लैमडा इज इक्वल्स टू वेव नंबर. डन. ये चार इंपॉर्टेंट टर्म्स ने, वेलोसिटी, वेव लेंथ एंड वेव नंबर. नैक्सट इज़ इलैक्ट्रोमैगनैटिक स्पैक्ट्रम. ये इलैक्ट्रोमैगनैटिक स्पैक्ट्रम है तो यदि आप वेव लेंथ मेन ये चीज़ जी याद रखने वाली है वो याद रखने वाली है वेव लेंथ के अल्ट्रा वायलेट रीजन की किन्नी वेव लेंथ है, विजिबल रीजन की किन्नी वेव लेंथ है, वाइब्रेशनल इंफ्रारेड की, न्यूक्लियर मैगनैटिक रेजोनेंस की. सिर्फ इलैक्ट्रोमैगनैटिक स्पैक्ट्रम के सिर्फ आही चीज़ याद रखनी है. ये चीज़ याद रखनी है किड़े रीजन नू ब्लू रीजन कहते हैं, किड़े रीजन नू रैड रीजन कहते हैं. लाइक जड़िया अल्ट्रा वायलेट वेव्स है होंगे 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, एंड विजिबल रीजन होंगे 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, एंड न्यूक्लियर मैगनैटिक रेजोनेंस 1 मीटर टू 5 मीटर. नैक्सट इज स्पैक्ट्रोस्कोपी. स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी मे बी डिफाइंड एज इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस सो दैट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड और एमिटेड इन अकॉर्डिंग विद द रिलेशन इज इक्वल टू एच न्यू. स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफाइन किया जा सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि वह इंटरैक्शन ऑफ मैटर है विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ताकि आप स्टडी कर पाइए कि एनर्जी अबसॉर्ब होंगी है कि अमिट होंगी है. उस रिलेशन जिदे थ्रू आप स्पैक्ट्रोस्कोपी डिफाइन करते हैं रिलेशन है इज इक्वल टू एच न्यू. जिमें कि आपको पता ही है कि एनर्जी एच फ्लैंक कॉन्सटेंट एंड वी न्यू है जी वो फ्रीकुएंसी. नैक्सट इज टाइप्स ऑफ स्पैक्ट्रोस्कोपीज. फस्ट इज एमिशन स्पैक्ट्रोस्कोपी, सैकेंड इज अब्सॉर्प्शन स्पैक्ट्रोस्कोपी. डन. नैक्सट इज अमिशन एंड अब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रोस्कोपी. पहला आप गल करते हैं अमिशन स्पैक्ट्रोस्कोपी के बारे. अमिशन स्पैक्ट्रोस्कोपी की है एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीटर और एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, दे अब्सॉर्ब एनर्जी एंड गैट एक्साइटेड. अगर आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स किसी इंटेंस हीटर या फिर इंटेंस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के रखते हैं तो वह एनर्जी अब्सॉर्ब कर जाते हैं, तो एक्साइट करके हायर एक्साइटेड स्टेट या फिर हायर एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट तो हायर एक्साइटेड स्टेट वल चले जाते हैं. बट जिहड़ा इन्हां दा लाइफ टाइम हुंदा एक्साइटेड स्टेट दा वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुंदा, वेरी शॉर्ट. सो दे रिटर्न टू देयर लोअर एनर्जी स्टेट्स और लोअर एक्साइटेड स्टेट्स और ग्राउंड स्टेट्स. वो अपने लोअर एक्साइटेड स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट पर वापस आ जाती हैं. वापस आने तो बाद की कर दें जो जी उन्होंने एनर्जी अबसॉर्ब की होंगी है तो वह रिलीज़ कर दें इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एंड एट दैट टाइम अबसॉर्ब एनर्जी इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एंड द लाइट इज़ पास्ड थ्रू द प्रिज्म. एंड जी लाइट वो अमिट हुई है जो एक्साइटेड स्टेट तो ग्राउंड स्टेट या फिर लोअर एक्साइटेड स्टेट पर आई है एटम, तो उदो जी एनर्जी लाइट निकलती है उस लाइट नू प्रिज्म दे विचों दी पास करवाया जाता है, तो वह जड़ा उस तो बाद जो स्पैक्ट्रम बनता है उसनू नाम दिता जाता है अमिशन स्पैक्ट्रम. सच स्पैक्ट्रम इज़ रिकॉर्डेड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट अपीयरस एज ब्राइट लाइनस ऑन डार्क बैकग्राउंड. ये स्पैक्ट्रम किस तरह का अपने को अपीयर होंगे फोटोग्राफिक प्लेट के उपर कि ब्राइट लाइनस दिखद डार्क बैकग्राउंड दिखता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट.
पॉइंट लास्ट वाला, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ एटम्स, इनू अपन एटम्स की स्टडी के लिए यूज करते हैं एमिशन स्पैक्ट्रोस्कोपी नू। डन, नेक्स्ट इज अब्सॉर्प्शन स्पैक्ट्रोस्कोपी। इफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर अलाउड टू पास थ्रू मीडियम, सम ऑफ इट रिफ्लेक्टेड, सम इज अब्सॉर्ब्ड एंड अदर इज ट्रांसमिटेड। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नू एक मीडियम दे विचों दी पास कराने आ, तां उहदे विच कुछ जिहड़ी लाइट आ रिफ्लैक्ट हो जाती है, कुछ अब्सॉर्ब हो जाती है, तो कुछ ट्रांसमिट हो जाती है। एंड वैन ट्रांसमिटेड लाइट इज़ पासड थ्रू द प्रिजम और ग्रेटिंग एंड अब्सॉर्प्शन स्पैक्ट्रम इज अब्सॉर्ब्ड। तो जदों ये ट्रांसमिटेड लाइट नू प्रिजम या ग्रेटिंग दे विचों दी लंघाया जाता है, तो अब्सॉर्प्शन स्पैक्ट्रम है जिहड़ा वो अब्जर्व किया जाता है। तो यह जिहड़ा स्पैक्ट्रम है इंडीकेट करता है पोर्शन ऑफ इंसीडेंट लाइट दैट हैव बीन अब्सॉर्ब्ड बाय द मीडियम। इस स्पैक्ट्रम की इंडीकेट करता है उस पोर्शन नू इंडीकेट करता है जिहड़ा इंसीडेंट लाइट है जिहड़ी अब्सॉर्ब हो चुकी है वो वाला पोर्शन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिहड़ा लास्ट वाला याद रखना है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑरगैनिक कंपाउंड। अगर ऑरगैनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जानना है तो आप यूज़ करांगे अब्सॉर्प्शन स्पैक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, नेक्स्ट है ये डायग्राम है अब्सॉर्प्शन की। अब्सॉर्प्शन दे विच की होंदा कि सीधी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन्स पहला उन्हें मिलती है, फिर वो एक्साइट करता है। ठीक है, तो जिहड़ी इमिशन दे विच ओह की होंदा, एक्साइटेड स्टेट दे विचों जदों ग्राउंड स्टेट ते आउंदा तां वह लाइट नूं इमिट करता है, तो वह लाइट आपां नूं दिंदी है स्पैक्ट्रम। थैंक यू, हैव अ नाइट।